हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और साथ में सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्यूज पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो में मैंने भूगोल के कुछ प्रश्नों को लिया हुआ है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है और वो प्रश्न है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन चार दिए हुए हैं, 1973, दूसरा दिया 1970, तीसरा दिया 1972, चौथा दिया हुआ 1971। तो ऑप्शन नंबर इसका सी 1972 सही हो जाएगा। 1972 तक मेघालय असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स, जयंता हिल्स और गारो हिल्स को मिलकर मेघालय का निर्माण किया गया। दूसरा प्रश्न, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन चार है, पहला बेरिन द्वीप, दूसरा दिया हुआ बाराटांग द्वीप, तीसरा दिया हुआ कार निकोबार और चौथा दिया हुआ लॉक द्वीप। तो आंसर नंबर इसका बाराटांग द्वीप सही हो जाएगा। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी आंदमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलखीज कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन चार है, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है सिक्किम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। चौथा प्रश्न, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन चार है, पहला झेलम, दूसरा व्यास, तीसरा सतलज और चौथा रावी। तो आंसर नंबर इसका सी सतलज सही हो जाएगा। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे में से प्रवेश करती है। पाँचवा प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन चार है, पहला सिंधु, दूसरा रावी, तीसरा झेलम, चौथा व्यास्त। ऑप्शन नंबर इसका सी झेलम सही हो जाएगा। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। छठवां प्रश्न, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के में किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन चार है, पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तमिलनाडु। आंसर नंबर बी केरल से हो जाएगा। कायाल केरल में पाए जाते हैं। यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होती है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुन्ना मदा कायाल में आयोजित की जाती है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन चार है, विजाग बंदरगाह, दूसरा पारादीप बंदरगाह, तीसरा कोची बंदरगाह, चौथा मुंबई बंदरगाह। तो इसका आंसर नंबर सी कोची बंदरगाह सही हो जाएगा। केरल का कोची बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेमनाद कयाल में स्थित है। आठवां प्रश्न, भारत को सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन चार दिए हुए, पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल, चौथा बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश सही हो जाएगा। भारत की कुल थल सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें भारत के 92 जिले व 17 राज्य शामिल है। भारत की जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इसमें 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। बांग्लादेश के केरल की थल सीमा 4,096 किलोमीटर है। चीन के साथ भारत की कुल सीमा 3,488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा 3,323 किलोमीटर है। नौवां प्रश्न, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है। ऑप्शन चार है, पहला गादयुक्त मिट्टी, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है चिकनी मिट्टी और चौथा है रेतीली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी दोमट मिट्टी सही हो जाएगा। दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और हामूस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं। दसवां प्रश्न, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है। ऑप्शन चार दिए हुए हैं, पहला साबरमती की सहायक नदी, दूसरा है कच्छ केरल, तीसरा है अरब सागर और चौथा है माउंट आबू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कच्छ केरल सही हो जाएगा। और दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे आप उसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पुष्कर घाटी किस राज्य में है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।